हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सबके साथ मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं ये, और मैं थोड़े से टिप्स भी दूंगी ताकि आपके लड्डू सॉफ्ट बने, ज़्यादा हार्ड ना बने। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर मुरमुरे ले लेंगे, ये 100 ग्राम से। अगर आप इसे कप से मेजर करेंगे तो ये 4 कप से। इसे आपको रोस्ट कर लेना है। और हम गुड़ ले लेंगे, ये गुड़ 200 ग्राम से। अगर आप इसे कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और हम 1 टेबल स्पून जितना पानी ले लेंगे और 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम मुरमुरों को रोस्ट कर लेंगे। आपको फ्लेम मीडियम ही रखना है। मुरमुरे क्रिस्पी होने तक आपको इसे रोस्ट करना है। 5 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोस्ट होने में। देखिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। देखिए मैं तोड़कर बताती हूँ आपको, देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अभी हम चाशनी बनाना स्टार्ट करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें घी ऐड कर दिया है। घी मीडियम हॉट हो चुका है। अभी हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। पानी जो हमने 1 टेबल स्पून बताया है उसे भी ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स कर कर इसे मेल्ट करेंगे। आपको फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है आपको। ये 5 to 6 मिनट्स में ही इसकी चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही जल्दी चाशनी बनकर रेडी होती है इसकी। देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। आपको स्पैचुला चलाते ही रहना है। अभी हम चेक करेंगे। देखिए मैं चेक कर कर बताती हूँ आपको। देखिए एक साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि और थोड़ा सा हमें पकाना है चाशनी को। हम 1 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जब तक इसका सॉफ्ट बॉल नहीं बन जाता। देखिए फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ। 1 मिनट पकाया है मैंने इसे। देखिए ये चिपक रहा नहीं है बॉल को। देखिए सॉफ्ट बॉल की तरह बन गया है ये। हमको इसी तरह की चाशनी बनाना है क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं। अगर हम चिक्की बना रहे हैं तो थोड़े सा हमें और पकाना होगा चाशनी को। सॉफ्ट बॉल बनते ही हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ऑफ कर कर मुरमुरों को ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस आपको फ्लेम ऑफ कर कर ही करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गरम चाशनी में ही आपको मुरमुरों को ऐड करना है, चाशनी को ठंडा नहीं करना है आपको। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ज़्यादा ठंडा करना नहीं है आपको मिक्सचर को, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो बैंडिंग नहीं आएगी और लड्डू सही तरह से नहीं बनेंगे। हमको हाथों को इस तरह से पानी लगा लेना है ताकि गर्म ना लगे। थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए ये प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है और थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा रखना है। जैसा हम तिल के और फली के लड्डू बनाते हैं उससे डबल साइज़ रखना है आपको। इस तरह से प्रेस करने से लड्डू का शेप राउंड आ जाएगा। मिक्सचर को ठंडा करना नहीं है, गरम में ही आपको लड्डू बनाना है, तभी आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से बन चुका है ये। इस तरह ही बनना है, देखिए इसका साइज इतना आना है। अभी हम सभी लड्डुओं को इसी तरह से बना लेंगे। हंड्रेड ग्राम्स मुरमुरे में टोटल 11 लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं ये। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। चाशनी में मुरमुरे ऐड कर आपको ज़्यादा देर मिक्स करना नहीं है। आपको जल्दी ही इसे निकाल लेना है, तभी लड्डू आपके क्रिस्पी बनेंगे। बस आपको चाशनी अच्छी तरह से बनाना है, आपको ज़्यादा इसे पकाना नहीं है।
जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की है, अगर आप वही टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। और सही मेजरमेंट का ध्यान रखना है आपको। जैसे कि मैंने 100 ग्राम्स मुरमुरे लिए हैं तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम्स गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट को डबल कर लीजिए। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, इसी तरह से आपको लड्डू बनाना है। चलिए, मेरी लड्डू की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।